Hey guys, welcome back to my channel. तोजा से आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे सूटकेस निकाल रखे हैं और अब हो रही है पैकिंग, वो भी छठ पूजा की। तो हम सब लोग जा रहे हैं बिहार छठ पूजा के लिए। फिर आप जैसे देख रहे हैं, मैंने ये सारे कपड़े यहाँ पे बिछा रखे हैं और वहाँ पे साड़ी ही पहनना है। तो 5-6 दिन के हिसाब से मैंने साड़ियाँ निकाली है। अब इसमें से सफी सब नहीं लेके जाने वाली, कुछ चीज़ें पैक करूँगी, कुछ यहीं छोड़ के जाऊँगी, बस लग जाऊँगी मैं अपने काम पे। फटाफट पैक करना है, पहले मुझे अपने कपड़े पैक करने हैं, फिर पति देव के, फिर बच्चों के। सब लोगों को सूटकेस का साइज़ दिखता है कि इतना बड़ा बैग लेके आई है, बट क्या आपको पता है औरतों का दुख? एक, दो साड़ी यहाँ और 3 साड़ी यहाँ, और इस साइड का फुल हो गया 5 साड़ी। अब मुझे जाना है 10 दिन के लिए, तो उस हिसाब से तो वहाँ पे भी तो भरूंगी सामान, और उसके बाद और भी कपड़े होते हैं बहुत सारे, और ये रहा हर साड़ी का पेटीकोट। तो बैग के साइज़ पे मत जाइए। कल मैंने अपना पैकिंग किया था और आज ये रहा सार्थक का बैग एंड बनी का बैग, कौन सा है बनी के बैग पीछे है। ये मेरा बैग कल हो चुका है पैक, और ये हबी का बैग है, दिस ब्लू वन, ये सार्थक का बैग है। और कुछ कपड़े हैं जो प्रेस करने हैं, वो यहाँ है। यार बहुत काम अभी भी बचा हुआ है, बस इन सॉक्स के पेयर्स नहीं मिल रहे हैं, ये मिलते ये भी पैक हो जाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कल वाले व्लॉग में आपने देखा था, मैंने पूरा पैकिंग कर लिया है अपना और बस अब हम निकलने ही वाले हैं, और मेरा सारा सामान पैक्ड है, आई एम रेडी, बच्चे रेडी हैं, और बस अब लंच करेंगे और निकलेंगे। आई एम सो एक्साइटेड, ये हमारा 10 दिन का ट्रिप होने वाला है, दैट टू रोड ट्रिप। एंड मैं इस बार डिसाइड किया मैंने कि डेली का व्लॉग्स लगाऊंगी मैं, कि हम लोग कहाँ हमने स्टे किया और क्या क्या किया। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। सो अभी हम जा रहे हैं निखिल जी के घर, और वहाँ से निखिल और अनु को पिक करेंगे और हम कल साथ में निकलेंगे। सार्थक ऑल सेट, ये देखो पीछे सामान, और ये देखो हम लोग घर बसाने जा रहे हैं। ये देखो निखिल दासू की गाड़ी के लिए, इतनी गाड़ी है, इतनी गाड़ी हो गई है। ये देखो दोनों लगे हुए हैं। सो गाइस, कल से हमारा 10 दिन का रोड ट्रिप हो रहा है स्टार्ट, और अभी हम आए हैं यहाँ पे बेड लगाने गाड़ी में, ताकि हम आराम से कंफर्टेबली सो के जा सकें। सो वी आर गोइंग टू ट्राई दिस, इसको टेस्ट करेंगे अभी, गाड़ी में लगाएंगे एंड लेट्स सी हाउ टू वॉक। और ये हमारे निखिल जी पीछे गद्दा लगाते हुए, बेड लगाते हुए, ताकि हम कंफर्टेबल होकर आराम से सोते हुए ये ट्रिप कर सकें। सो हमारे साथ है 3 बच्चे, तो हमने एक गाड़ी को स्पेशली बेड बना दिया है, बेडरूम बना दिया है, सो दैट बच्चे आराम से सो के जा सके एंड हमें कोई दिक्कत ना। ओगो, ये आपके लिए बेड तैयार हो रहा है ताकि ओगो इसमें सो के जा सके। हो रहा है। कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ी है इन्होंने? वहाँ से पढ़ा है, बिहार यूनिवर्सिटी से है ना। ओगो पीछे देखो, वाह वाह, बेड तैयार हो गया, बेड तैयार हो रहा है। गुंजा जी यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं टिक्की से, और निखिल जी पता नहीं क्या सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हाँ, क्या कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, ये इंजीनियर। पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ ये लोग लगे हुए हैं यहाँ पे गद्दा फिक्स करने में। हो गया, टाइट हो रहा है थोड़ा सा, और फिर बंद दबा दीजिए पूरा, ये हो गया ठीक है, इतना भी ठीक है, चल जाएगा ये, थोड़ा और ऊपर आएगा मुझे लग रहा है। हाँ ऐसे, क्योंकि बच्चे चाहे तो सोएंगे ऑब्वियसली। तकिया दो है ना, ये अभी तक ही आ रहा। सो दैट्स इट, हमने सारा सामान फिक्स कर लिया गाड़ी में, और हमने अपना बेड भी बना लिया है, और बस अब जल्दी से सोना है ताकि हम सुबह 4 बजे उठ के अपने डेस्टिनेशन के लिए निकले।
सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मैं अब डेली व्लॉग लगाने वाली हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट. सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. गुड नाइट.